लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में इस बार की होली पर भी चुनावों का असर दिखाई देना तय है। उम्मीदवार जहां होली पार्टी करके अपना चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं इससे रंग गुलाल समेत होली से जुड़े हर सामान की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वैसे भी चुनावी सीजन के बीच होली के त्योहार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चुनावी समर में भगवा गुलाल की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। यूपी में खासकर बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद से भगवा रंग का चलन कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ गया है। इसके साथ ही इस बार बाजारों में मोदी पिचकारी और मुखौटों की धूम है। पिचकारियों में कमल का फूल भी देखने को मिल रहा है। भगवा गुलाल की तो इस कदर डिमांड है कि दुकानदार और गुलाल बनाने वाले ठेकेदार भी इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे। चुनावी रण में होली के मुखौटों पर कई नेताओं की झलक नजर आ रही है। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार समेत देश भर के बाजारों में मोदी के अलावा राहुल, अखिलेश, नीतीश के मुखौटे बिक रहे हैं। नेताओं के अलावा बॉलीवुड हस्तियों, सुपर हीरो और क्रिकेटरों के मुखौटे भी बाजार में बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इस चुनावी माहौल के बीच होली के त्योहार और चुनावों के मेले से कैटरिंग, टेंट, मिठाई, म्यूजिक, डीजे जैसे कारोबार के दूसरे सेगमेंट्स को भी फायदा मिलना तय है। पिछले साल होली पर देश भर में करीब 25,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया गया था। ये 2022 के मुकाबले 25% का इजाफा है, यानी इस साल भी इसी दर से बढ़ोतरी होने पर करीब 30,000 करोड़ का कारोबार हो सकता है। लेकिन चुनावी चाशनी के होली में घुल जाने से ये कारोबार इस साल कहीं ज्यादा रकम का हो सकता है। जानकारों का भी मानना है कि होली के रंग जीवन में कारोबार से लेकर सामाजिक समरसता तक घोलने में बड़े मददगार होते हैं। ऐसे में इस त्योहार का देश की तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हर्बल गुलाल और वातावरण की सुरक्षा के लिए खेलो फूलों की होली। होली को सब मनाते हैं RWAs, मार्केट, इंडस्ट्रियल, NGOs और इससे टेंट, बैंक्वेट, टोपियां, चंदन, गुलाल, तिलक और राधा कृष्ण की टोलियों वालों को बहुत काम मिलता है। आजकल बॉलीवुड को देखकर लोग नए कपड़े बनाकर भी बहुत अच्छे तरीके से होली खेलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह का उत्साह और उमंग लोगों में देखी जा रही है, उससे भी लगता है कि इस बार की होली बाजार को निराश नहीं करेगी। भगवा रंग बहुत चल रहा है, बहुत डिमांड में भगवा रंग, बहुत मोदी के, योगी के मास्क वगैरह जो समय इतना डिमांड में कि आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। इस समय आए और बिक गए। हाँ, आए और हाथ और बिक गए। ज्यादातर हर्बल ही मांगते हैं और हम लोग खुद ओनली केवल उसमें करते हैं, ब्रांड में कोक ब्रांड ओनली डीलिंग, लोकल कुछ नहीं बिकते हम लोग। कलर ऑर्गेनिक वगैरह ज्यादा बिक रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, लोकल माल मतलब अब इतना नहीं बिकता जितना ऑर्गेनिक बिकता है। ठीक है। और ये आपके जो रंग है कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? हमारे रंग जी इधर तक यूपी तक जाते हैं। ऐसे में तय है कि होली को चुनावों का बड़ा सहारा मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद चुनाव देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं।